वर्तमान का जो माहौल है कोरोना के कारण, उसको ध्यान में रखते हुए यह वीडियो किसी एक वर्ग या किसी एक धर्म या किसी एक देश के लिए नहीं, बल्कि इस वीडियो में पूरे विश्व के लिए एक गहरा संदेश है। एक नगर में एक चंदन का व्यापारी था। उसके पास चंदन का स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो किसी ने उस सेठ से कह दिया कि यदि राजा की मृत्यु होती है तो अंतिम संस्कार में चंदन का उपयोग होगा। राजा जब भी वहां से पसार होता तो सेठ के मन में यही विचार चलने लगता कि राजा मर जाए। और फिर राजा भी जब उस सेठ को देखता तो उसे सेठ पर बहुत गुस्सा आता, न जाने क्यों। एक दिन राजा ने मंत्री से कह दिया कि जब भी इस सेठ को देखता हूँ, पता नहीं क्यों मुझे गुस्सा आ जाता है। मंत्री ने जवाब तो नहीं दिया, लेकिन कारण समझ गया था। मंत्री सेठ के पास जाकर सारी बातें जान लेता है। मंत्री इस पहेली को सुलझाने के लिए राजा को सुझाव देता है कि आप चंदन का महल बनवा लीजिए, और यदि रानियां चंदन के महल में रहेंगी तो हमारे राज्य की शोभा बढ़ जाएगी। राजा तुरंत चंदन का महल बनाने का आदेश देता है। सेठ का सारा स्टॉक खाली हो जाता है। हर स्टोरी की तरह इस स्टोरी की भी हैप्पी एंडिंग होती है। सेठ को पश्चाताप होता है अपनी सोच पर कि जिस राजा के मरने के लिए हमेशा प्रार्थना की, उसी राजा ने चंदन का महल बनवाकर मेरा सारा चंदन खरीद लिया। इधर राजा को पश्चाताप होता है कि जिस सेठ पर गुस्सा किया, उसी का चंदन काम आया महल बनवाने में। यह कथा बहुत ही सामान्य है, लेकिन संदेश बहुत गहरा है। दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, दानव मानव। दानव वो जो लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं, और मानव वो जो उससे विपरीत होते हैं। अमेरिका में जब कोरोना को लेकर पहली मौत हुई, तब मैट और कॉल्विन नाम के दो भाइयों ने 3 दिन में अनेक दुकानों से हैंड सैनिटाइजर खरीद लिए। लगभग 17,700 बोतलें इकट्ठा कर उन्होंने अमेज़न पर बेचने का प्लान बनाया। जहां एक बोतल मुश्किल से मिल रही थी, वही एक न्यूज रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने एक एक बोतल 4,000 से 5,000 रुपए में बेचने की कोशिश की। अमेज़न ने इनकी सेलर आईडी सस्पेंड कर दी, और तो और आज पूरा अमेरिका इनसे नफरत कर रहा है, और अब इनके पास खरीदने वाला भी कोई नहीं है। दोस्तों, आज कोरोना वायरस की वजह से खाने पीने की चीजें, मास्क, सैनिटाइजर, इन सब की बिक्री ज्यादा मात्रा में होगी। लॉकडाउन है 31 तारीख तक, तो जरूरत का सामान भी ज्यादा बिकेगा, और हो सकता है इसके चलते कुछ लोगों के मन में ये भाव आए कि कोरोना ज्यादा से ज्यादा फैलेगा तो मेरे दुकान की चीजें ज्यादा बिकेगी। और अब उस व्यक्ति को ये सोचना होगा कि अन्याय का पैसा आएगा तो वह बर्बादी की तरफ ही लेकर जाएगा, क्योंकि वह पैसा लोगों की मजबूरी का है। और ऐसे समय में क्या हमें किसी भी व्यक्ति की मजबूरी का फायदा उठाना चाहिए? दोस्तों, हमें तय करना होगा कि हम मानव है या दानव, क्योंकि मानव वो होते हैं जो व्यापार करते हैं, लूट नहीं चलाते, लेकिन दानव वो होते हैं जो व्यापार नहीं करते बल्कि लूट चलाते हैं। मास्क, सैनिटाइजर, कोरोना में उपयोगी सामान और खाने पीने की चीजों के विक्रेताओं को ये फैसला करना होगा कि मानव बनना है या दानव। आज अमीर से अमीर व्यक्ति भी घर पर बैठा है, कोरोना भेदभाव जो नहीं करता, और ऐसे समय में पूरे विश्व को सकारात्मक सोच की, दिल से निकली हुई प्रार्थना की जरूरत है, क्योंकि प्रकृति का प्रकोप तो हम देख ही रहे हैं। ऐसे समय में एक तरफ मेडिकल का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कस्टमर शिकायत कर रहे हैं कि मास्क महंगे दाम में आप बेच रहे हो, और मेडिकल वाला कह रहा है कि यही दाम है, आउट ऑफ स्टॉक है, खरीदना है तो खरीदो। तो दूसरी तरफ अनेक लोग ऐसे हैं जो फ्री में गरीबों को मास्क बांट रहे हैं, खाना दे रहे हैं। ऐसे कठिन समय में पूरे विश्व को सकारात्मक ऊर्जा की जरूरत है, एक पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत है। विक्रेता फ्री में तो नहीं देंगे, और वो संभव भी नहीं है, लेकिन यदि विक्रेता मदद के भावों के साथ, प्रार्थना के भावों के साथ चीजें मार्केट के रेट अनुसार बेचेंगे तो संभव है कि दूसरी ओर से भी सकारात्मक सोच जन्म लेगी। इससे कोरोना का इलाज तो नहीं होगा, लेकिन कोरोना से लड़ने की हिम्मत जरूर मिलेगी, और फिलहाल पूरे विश्व को इसी हिम्मत की जरूरत है। आइए इस सकारात्मक सोच के साथ कोरोना मुक्त विश्व के लिए एक कदम बढ़ाएं।